दोस्तों, भौतिक सुख के चलते मनुष्य आंतरिक सुख को भूल गया है, जिससे वो अपने आप को सुखी समझता है केवल भ्रम में। उसे लगता है कि उसके पास मोबाइल, कार, घर सब कुछ है तो वह सुखी है, जरूरत का सभी सामान है तो वो सुखी है। फिर भी वह हमेशा तनाव में और दुखी रहता है, जिसका कारण ये है कि उसको भौतिक सुख है बट मानसिक सुख नहीं है। तो टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ लिटिल थिंग्स के थ्रू आप मानसिक सुख को किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं अपने फोन के थ्रू, वो मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सो हेलो दोस्तों, आई एम योर होस्ट साहिल एंड यू आर वाचिंग। मैंने कुछ ऐसी चीजें खोजी है जो बहुत ही इजीली अवेलेबल है आपके मोबाइल फोन पे, एंड जिसके थ्रू आप बहुत ज्यादा अपने मन को शांत कर सकते हैं, तनाव एंड दुख से दूर हो सकते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को जरूर प्रेस कर लें, वरना आपको मेरा चैनल फिर से नहीं मिलेगा। कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा जो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। फर्स्ट थिंग, आप यूट्यूब पे जाएं एंड मेडिटेशन म्यूजिक सर्च करें। मेडिटेशन म्यूजिक आप जिनमें डेल्टा वेव्स, फ्लूट साउंड, ओम मंत्रा एंड हनुमान चालीसा वगैरह सम्मिलित है, जिसके थ्रू आप अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। मेडिटेशन म्यूजिक को आप सोने से पहले 10 से 15 मिनट तक जरूर सुने, जिससे आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाएगा, आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी गायब हो जाएगी एंड आपको तनाव मुक्त एहसास होगा, आपकी फीलिंग काफ़ी अच्छी रहेगी। तो मेडिटेशन म्यूजिक जरूर सुने, जो कि यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल है। आपको डायरेक्टली यूट्यूब पे जाना है एंड आपको सर्च करना है मेडिटेशन म्यूजिक। कुछ मैं आपको बता देता हूँ जिनमें डेल्टा वेव्स वगैरह हो गई, साथ में कृष्णा फ्लूट, वो भी आप सुन सकते हैं। इसी के साथ आप काफ़ी सारे मेडिटेशन म्यूजिक अवेलेबल है। कुछ तो लाइव क्लासेस भी होती हैं इसकी, तो आप 10 से 15 मिनट जरूर सुने, इससे आपको शांति मिलेगी। दोस्तों, इस म्यूजिक में बाइनुरल बीट्स होती है, कुछ डेल्टा वेव्स, कुछ हर्ट तक फिक्स होती है। हमारे यूनिवर्स का साउंड होता है सन साउंड, मून साउंड एंड अर्थ का साउंड एड होता है, जिसके थ्रू आंतरिक मन डायरेक्ट नेचुरल से इंटरेक्ट करता है और हमें सुख का अनुभव होता है। तो आप इन म्यूजिक को जरूर सुने रोजाना, आप में काफ़ी ज़्यादा सुधार आएगा। दोस्तों, दूसरी चीज़ ये है कि आप प्ले स्टोर पे जाएं और एक होम वर्कआउट नाम का ऐप है, ऐप को डाउनलोड करें, जिसमें डेली 10 से 15 मिनट की रेगुलर एक्सरसाइज है, जिसमें आप अलार्म भी सेट कर सकते हैं, शेड्यूल भी बना सकते हैं और हर एक एक्सरसाइज उसमें दी हुई है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, एकदम आसान एक्सरसाइज है जो आपके पूरे दिन को हेल्दी एंड एक्टिव रखेगी। तो आप इन एक्सरसाइज को जरूर करें, इससे आप फिट रहेंगे, आपका माइंड भी रिलैक्स रहेगा, जिससे आप अपने आप को काफ़ी हेल्दी फील करेंगे। तो ये एक काफ़ी अच्छी है होम वर्कआउट, इसका मैं खुद भी यूज़ करता हूँ और ये काफ़ी अच्छी है। दोस्तों, एक और चीज़ आप कर सकते हैं जो काफ़ी लोग करते हैं, जिससे उनको सुख का अनुभव होता है, तो आप भी वो चीज़ ज़रूर करें। दोस्तों, कोरोना वायरस जैसी महामारी या भविष्य में कोई भी आपदा आती है तो आप डायरेक्ट गूगल पे फोन पे के थ्रू डायरेक्ट डोनेट कर सकते हो। जिन लोगों को इस पैसे की ज़रूरत है, वो पैसे आप उनको ऐप के थ्रू दे सकते हैं, जिससे आपको उनको शांति मिलेगी। तो आप डोनेट ज़रूर करें, जितना आपके पास उतना डोनेट करें। ये जरूरी नहीं कि आप लाखों या करोड़ों रुपए दान कर दें, 10 रुपए, 5 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, जितना आप दे सकते हैं उतना आप दान करें, इससे आपके मन को शांति जरूर मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों, इंटरनेट पे गीता, कुरान, बाइबल वगैरह सभी की सभी बुक्स अवेलेबल है, ऑडियो बुक्स अवेलेबल है एंड PDF फाइल भी अवेलेबल है। तो अगर आप डेली एक चैप्टर या दो चैप्टर पढ़ेंगे, 5 से 10 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं है, तो 2 से 3 दिन पढ़ेंगे, तो आपके मन को जरूर शांति मिलेगी। तो दोस्तों, यही थी कुछ चीज़ें जिनके थ्रू आप अपनी दिनचर्या में सुधार कर सकते हैं। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, नॉर्मली बेसिक काम है और पूरी की पूरी तरह आपके फ़ोन में अवेलेबल है। यह टेक से रिलेटेड था, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाना ज़रूरी समझा, क्योंकि आजकल की दुनिया मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर एंड दुखी है, हमेशा तनाव में रहती है। तो इन चीज़ों को आप उपयोग करके अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल को प्रेस करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।